Good evening, all of you. Good evening, Vedanti. Good evening, Neetisha. Good evening, Pragati. Good evening, Tapasya. Very good evening, all. Good evening, Brunali. Am I audible, all? स्क्रीन दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? ओके, तो प्लांट किंगडम का आज लेक्चर हमारा 3 है, जिसमें आज के सेशन में हम लोग एक तो जिम्नोस्पर्म, ओके, क्या चीज जिम्नोस्पर्म का हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एंजियोस्पर्म हम लोग आज स्टडी करेंगे। एंजियोस्पर्म के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे प्लांट लाइफ साइकिल जो है, क्या चीज प्लांट लाइफ साइकिल, वो भी हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। यदि इतना पोर्शन हमारा बिफोर द टाइम हुआ तो फाइनली आज हम लोग एनिमल किंगडम का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो भी आज के सेशन में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। ओके, समझ में आ गया बेटा? तो विदाउट डिले किए जल्दी से हम लोग आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को जो स्टडी करना है वो किस चीज़ का स्टडी करना है हम लोगों को? हम लोगों को स्टडी करना है जिम्नोस्पर्म का। ओके, तो विदाउट डिले किए जल्दी से हम लोग यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो, उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म का हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ जिम्नोस्पर्म हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करें फिर हम लोग या वेट करना किसी और का? वैसे स्ट्रेंथ तो आ रहा है धीरे धीरे। निखिल मोड घर है बेटा, क्यों इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो? 10 मिनट लेट डायरेक्टली। ईश्वरी, कल्याणी दिख रहे हैं आप लोग? कल्याणी दिख रही है, ईश्वरी है क्या? गौरव, शुभम दिख रहा था थोड़ी देर पहले, है या नहीं है? मानव है, निखिल, आर्यन, शुभम भी है, रूही। ओके, चलो तो विदाउट डिले किए आज का जो सेशन है वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो की कंसेप्ट है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये होने के बाद फाइनली नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा विद द हेल्प ऑफ स्लाइड वो हम देखेंगे। तो जिम्नोस्पर्म की यदि हम बात करें बेटा, ठीक है, क्या चीज यदि हम लोग यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का स्टडी हम करें तो जिम्नोस्पर्म जो है, हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का स्टडी किए थे, जिसमें प्लांट और प्लांट किंगडम जो है, जिसमें हम लोगों ने इसके कुछ डिविजन्स हम लोगों ने देखे थे, जिसमें लोअर मोस्ट जो कैटेगरी थी जिसमें क्या था, एल्गी था। फिर हम लोगों ने क्या स्टडी किए थे, ब्रायोफाइटा। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो स्टडी किए थे वो क्या था, टेरिडोफाइटा। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है जिम्नोस्पर्म, और साथ ही साथ आज हम लोगों को जो स्टडी करना है वो है एंजियोस्पर्म। फिर इनके बाद फाइनली लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, प्लांट लाइफ साइकिल। ये हम लोग जो है आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो विदाउट डिले किए जल्दी से आज का जो सेशन है वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट अभी लेट ज्वाइन किए हैं तो उन लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा वेट किया, और वही पोर्शन अगेन जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन किया कि हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली जिम्नोस्पर्म जो है एक ऐसे प्लांट, क्या चीज जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो है एक ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जनरली हम सीड की हम बात करें तो सीड जो है आर नॉट इनक्लोज्ड, क्या चीज, सीड आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट वॉल, क्या चीज, सीड आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट वॉल। तो इस तरह से जनरली जो सीड जो रहेंगे तो ये जो है कैसे होंगे बेटा, नेकेड सीड जो है जिम्नोस्पर्म में बियर करता है, तो दे बियर नेकेड सीड। ओके, साथ ही साथ यदि हम देखें तो जिम्नोस्पर्म जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, बहुत ज्यादा नहीं है ये स्मॉलेस्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम का। ओके, प्लांट किंगडम का ये जो है ये कैसा है, स्मॉलेस्ट जो है ग्रुप है। जनरली हम देखें तो ये जो है बहुत ही ज्यादा मोर एंशिएंट है, किसके, मोर एंशिएंट देन द एंजियोस्पर्म। ओके, एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा एंशिएंट होता है। मींस यदि हम देखें तो अबाउट, हम लोगों ने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का स्टडी किए थे, तो अबाउट 200 मिलियन ईयर एगो जो है कौन सा, मीजोजोइक, याद आ रहा है बेटा क्या चीज, मीजोजोइक एरा पढ़े थे हमने, तो मीजोजोइक एरा किसमें था ये, जुरासिक पीरियड में। ओके, क्या चीज, मीजोजोइक एरा ऑफ जुरासिक पीरियड, इस टाइम पर जो है क्या चीज ये जो है देखा गया था, क्या हो गया यहाँ पर मोर, यहाँ पर आएगा अबाउट। क्यों बेटा प्राची कहाँ लेट हो गए आप, टाइम नहीं मालूम आपको, मैसेज नहीं देखे थे। चलो तो ये चीज समझ में आ गई बेटा, कब देखा गया है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जिम्नोस्पर्म में जो इंक्लूड किया हुआ है, यदि हम जिम्नोस्पर्म की हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म जो है इसमें किस टाइप के प्लांट्स आते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में जो इंक्लूड किए हुए जो प्लांट्स हैं जनरली इसमें एक तो मीडियम साइज वाले प्लांट आते हैं, टॉल ट्री भी इसमें देखने को मिलता है। ओके, मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। और श्रब जो है ये भी जिम्नोस्पर्म में होते हैं, जिसमें एक जियंट रेडवुड है, जियंट रेडवुड जो है वो है हमारा क्या चीज, सिकोइया का एक प्लांट है, सिकोइया सेम्परनिवेरेंस। ये बेटा टॉलेस्ट ट्री है, ये टॉलेस्ट ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना है। और एक स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है यदि हम देखें तो है वो जामिया पिग्मिया, ये जो होता है ये स्मॉलेस्ट है। अब जिम्नोस्पर्म का यदि हम मेन प्लांट बॉडी की हम बात करें, क्या चीज, मेन प्लांट बॉडी जो होती है जिम्नोस्पर्म की वो होती है स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट से ये चालू हो गया था बेटा, पढ़े हम लोगों ने, और स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। और जनरली जिम्नोस्पर्म जो है ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि टेरिडोफाइटा से ही रूट स्टेम और लीफ जो है उसमें प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो गई है। ओके, तो ऑब्वियसली रूट स्टेम और लीफ जो है, लीव्स कहेंगे, ठीक है, रूट स्टेम और लीव्स में प्लांट बॉडी जो है डिफ्रेंशिएट होती है। और रूट बेटा कैसा, टैप रूट इसमें प्रेजेंट होती है। रूट दो टाइप की होती है, एक एडवेंटेशियस रूट होती है और एक टैप रूट, जो मेन इस तरह की जो रूट होती है वो क्या कहलाता है, टैप रूट। टैप रूट जनरली इसमें प्रेजेंट होती है। ओके, पाइनस जो होता है जनरली फंगस के साथ एसोसिएट करके देखा गया है, जैसे माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? माइकोराइजल एसोसिएशन। सुप्रिया बेटा आप कहां थे अभी तक के? लेट क्यों ज्वाइन किए? टाइम पे ज्वाइन किया करो बेटा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पाइनस जो है ये फंगस के साथ एसोसिएट यदि हुआ, ठीक है, फंगस के साथ इसका जो है क्या चीज एसोसिएशन यदि रहा तो क्या फॉर्म करता बेटा? ये माइकोराइजल एसोसिएशन। पढ़े ना हम लोगों ने माइकोराइजा, मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम, ठीक है। साइकस की यदि हम बात करें, साइकस और पाइनस ये दो जो है जिम्नोस्पर्म के दोनों भी मेंबर हैं। तो साइकस जो होता है बेटा एक इसमें स्मॉल एक स्पेशल टाइप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल टाइप की रूट इसमें प्रेजेंट होती है, उस रूट को कैरोलॉइड रूट कहते हैं। और ये कैरोलॉइड रूट जो होती है ये जनरली नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। पिक्चर्स दिखाऊंगा कैसे होती है, उसमें आपका ये सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। स्टेम की यदि हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म का जो स्टेम होता है ये होता है अनब्रांच्ड, ठीक है, जैसे कि स्टेम ऐसे ब्रांचेस टाइप का नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का जो स्टेम होता है वो अनब्रांच होता है, ओके। और ये किस में देखने को मिलेगा? अनब्रांच साइकस में, ठीक है। लेकिन यही चीज हम पाइनस की हम बात करें और एक होता है इफेड्रा, तो इन दोनों में इस टाइप का जो है स्टेम देखने को मिलता है। मीन्स इसमें जो स्टेम होता है ये क्या होता है? ब्रांच स्टेम प्रेजेंट होता है। लीफ की हम बात करें तो लीव्स जो होती है क्या हुआ, ये लीव्स जो होता है जिम्नोस्पर्म का ये वेल एडॉप्टेड लीफ जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली टेरिडोफाइटा की लीफ तो छोटी छोटी थी इस तरह से, अभी जब लीफ फॉर्म हुई तो ऐसी वेल एडॉप्टेड रहेंगी, नुकीली इस तरह से, क्योंकि ये रेजिस्ट रहेंगी। किससे ये रेजिस्ट रहेगी? हाई टेम्परेचर से, ये रेजिस्ट रहेगी ह्यूमिडिटी से, ये रेजिस्ट रहेंगी विंड से, इन सभी से जो है ये रेजिस्ट इजीली टूटेगी नहीं बेटा। और स्पेशली हम कोनिफर्स की बात करें, हम लोग क्या चीज हम कोनिफर्स की यदि हम बात करें तो इसकी जो लीफ होती है वो निडल लाइक लीफ होती है बेटा। कैसा? निडल लाइक लीफ जो है देखने को मिलती है। क्यूटिकल जो होती है इसकी थिक क्यूटिकल होंगी, साथ ही साथ स्टोमेटा जो है सनकेन स्टोमेटा होते हैं बेटा, डीपली सिचुएटेड स्टोमेटा जनरली प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है ये हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है जानते हो? रेड्यूस वाटर लॉस, वाटर लॉस को ये रेड्यूस करके रखता है, ट्रांसपीरेशन से ये बचाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू की हम बात करें तो वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं ये वेल डेवलप वैस्कुलर टिश्यूज उसमें प्रेजेंट होंगे। वैस्कुलर टिश्यू अभी क्या है टेरिडोफाइटा के कंपैरिजन में डेवलप हो गया। मींस जाइलम और फ्लोएम जो है आपको ये टेरिडोफाइट के कंपैरिजन में वेल डेवलप मिलेंगे, बट जाइलम में बेटा वेसल्स नहीं होती, लैक ऑफ वेसल्स जो कि एंजियोस्पर्मिक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स जो है ये देखने को नहीं मिलेगी। अब ये देखो कंपेनियन सेल्स और वेसल्स, ये मैं आप लोगों को प्लांट एनाटॉमी में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वहां पे देने वाला हूं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सिर्फ टर्म्स याद रखेंगे ओनली, उससे ज्यादा हम नहीं जाने वाले। फिर इसके बाद यदि हम लोग जिम्नोस्पर्म देखें तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है ये डायसियस होता है, डायसियस मीन्स क्या होता है जानते हो? जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट है कैसा होता है, डायोसियस कंडीशन देखने को मिलती है। कहां पढ़े थे हमने बेटा डायोसियस मोनोसियस? डायसियस मीन्स मेल और फीमेल। रिस्पॉन्स करो क्या होता है बेटा डायसियस का मतलब, मेल और फीमेल प्लांट बॉडी जो है वो कैसी होंगी? रिस्पॉन्स में सेम प्लांट, वेरी गुड, डिफरेंट रहता है ना कि सेम रहता है? ईश्वरी क्या कर रहे हो बेटा, ये मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट रहेंगे तभी तो डायसियस कहेंगे हम लोग। ओके, मोनोसियस मीन सेम होता है। तो इसमें देखो ये सारे जिम्नोस्पर्म में तो ये जो है प्लांट बॉडी जो है मेल और फीमेल जो है ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन सा? पाइनस। जैसे इसमें पाइनस है, एल्गी में हमने कारा पढ़े थे, तो ये जो होता है मेल और फीमेल जो है वो एक ही इसमें होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, मोनोसियस कंडीशन कहलाती है। तो ये कारा पाइनस इसको लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। तो एल्गी में बेटा मेल फीमेल बॉडी एक ही इसमें मिल रही है, पाइनस में भी सेम मिल रहा है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। ओके, और साथ ही साथ ऑल जिम्नोस्पर्म जो है, हम लोगों ने लास्ट टाइम स्पोरिक सिस्टम पढ़े थे, तो ऑल जिम्नोस्पर्म जो है ये कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। बट टेरिडोफाइट में क्या था, दोनों भी था, मोनो भी था और होमोस्पोरस भी था और हेटेरोस्पोरस भी था। ठीक है, तो हेटेरोस्पोरस हैप्लॉइड रहेंगे, मींस इसमें माइक्रोस्पोर और साथ ही साथ क्या रहेगा, मेगास्पोर, दोनों भी होता है। माइक्रोस्पोर से क्या फॉर्म होगा बेटा, मेल गैमेटोफाइट, जो मेल गैमेट को फॉर्म करेगा। मेगास्पोर से जो है क्या प्रोड्यूस होगा, फीमेल गैमेटोफाइट, जो फीमेल गैमेट बनाएगा, देन फ्यूजन होगा, जायगोट फॉर्म होगा और इस तरह से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, क्या बताया मैंने, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की यदि हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म जो होता है, ठीक है, कैसा है बेटा, जिम्नो, जिम्नोज मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड, एक ऐसे प्लांट जिसके सीड जो है नेकेड होते हैं। मतलब ये जो प्लांट है इसमें जो ओव्यूल्स जो रहता है ना वो ओवरी की वॉल से इनक्लोज नहीं होता। देखो हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ा था, इस तरह से एंजियोस्पर्म में स्टिग्मा था, स्टाइल था और ये ओवरी था और ये अंदर ओव्यूल था। बट जिम्नोस्पर्म में ये बाहर की जो ओवरी जो है ये आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ये ऐसा समझे। साइकस आप देख रहे हो, ये साइकस का आप एनाटॉमी देख रहे हो, ये साइकस का प्लांट है। तो यहाँ पे ये देखो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ दूसरे पिक्चर से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह से देखो, ये तो एंजियोस्पर्म है जिसमें ओवरी दिख रही है, बट इसमें इस तरह से आउटर लेयर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो ये जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल है और ये एंजियोस्पर्म का ओव्यूल हो गया। ठीक है, मीन्स ओवरी वॉल में इनक्लोज नहीं है। ठीक है, रिमेन ये एक्सपोज होता है बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो सीड का जब डेवलपमेंट होगा और जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आएगा तो किसी भी टाइप की इसमें कवरिंग नहीं होती है। जैसे कि हमने फ्रूट की भी कवरिंग देखे थे, इपिकार्प, पेरिकार्प, फिर इनक्लोज सीड प्रेजेंट होता है जैसे मैंगो में या फिर और दूसरे प्लांट में देख लो। तो इसका जो सीड है ये कैसा रहेगा, नेकेड सीड होता है। ओके, तो ये जो है ये जिम्नोस्पर्म का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो क्या है, सीड जो कि नेकेड कंडीशन में होते हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यदि हम देखें तो इसमें जो है जिम्नोस्पर्म में मैंने ऑलरेडी बताया कि क्या है, मीडियम साइज के भी जिम्नोस्पर्म होते हैं, श्रब भी दिखेगा, टॉल ट्री भी होता है, सिकोइया जो है, जियंट रेडवुड। देखो आप यहाँ पे खड़े हो, ये प्लांट इतना बड़ा है कि फोटो भी नहीं ले सकते, ये देखो बहुत ही ज्यादा हाइट है इसकी, टॉलेस्ट ट्री है ये। आप बहुत दूर से भी फोटो लेंगे ना तो ये तो भी आपको यहाँ पे बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक है। आप रियल पिक्चर्स इसकी देखना, ये इतना ज्यादा हाइट का है, बहुत दूर से भी आप प्रॉपरली फोटो नहीं ले पाओगे इसका, इतना ज्यादा इसका हाइट होता है। ओके, और ये सिकोया हो गया। स्मॉलेस्ट कौन सा बताया मैंने आपको? जामिया पिग्मिया। ये पाइनस की जो रूट होती है ये इस तरह से फंगस के साथ एसोसिएट होती है, तो उसे हम लोग माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। और रूट इसमें कैसा है, ये इस तरह से जो आपको दिखाई दे रही है ये जो है ये टैप रूट होती है। तो फंगल एसोसिएशन जो रहेगा वो क्या कहलाता है? माइकोराइजा, ठीक है। लेकिन यही चीज हम साइकस में देखें तो साइकस में जो रूट होती है एक स्पेशल टाइप की रूट प्रेजेंट होती है जिसे कैरोलॉइड रूट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? कैरोलॉइड रूट कहते हैं। ये देखो, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप साइकस में देख रहे हो, कैरोलॉइड रूट जो जनरली नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इसके साथ एसोसिएट होता है साइकस के साथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो जनरली पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्टेम और लीफ और रूट का स्ट्रक्चर देखे थे। तो स्टेम अनब्रांच और ब्रांच दोनों होता है, तो साइकस का स्टेम अनब्रांच था। पाइनस, इफेड्रा, सेड्रस इसका स्टेम जो रहेगा वो कैसा रहेगा? ब्रांच रहेगा। लीफ देखो बेटा ऐसे सिंपल कंपाउंड इस टाइप की जो लीफ है दोनों तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, पाइनस और सेड्रस आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे साइकस में जो है बेटा पिन्नेट लीफ होती है। देखो पिन्नेट मतलब ये ऐसी अलग अलग निकली हुई जो कई सालों तक के परसिस्ट करती है। बट पाइनस और सेड्रस में जो है निडल के समान है, देखो निडल के समान लीफ दिखाई दे रही है आपको, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? ट्रांसपिरेशन जो है, वाटर लॉस वो बहुत कम होगा, समझे। तो इस तरह का यहाँ पे इसमें जो है मॉडिफिकेशन होता है। रिप्रोडक्शन हम देखे बेटा, तो रिप्रोडक्शन जो है हमने देखे थे कि स्पोरोफिल्स क्या होता है, मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम, ठीक है। तो पहली चीज तो देखो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म जो है हेटेरोस्पोरस होता है, मींस माइक्रो और मेगास्पोर दोनों अलग अलग रहेंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। लीफ जब मॉडिफाइड होती है, देखो यहाँ पे जो लीव्स हैं ये मॉडिफाइड होकर के फीमेल स्ट्रोबिलाई बनाया, मतलब लीफ मॉडिफाइड होकर स्पोरोफिल बनेगा जो कॉम्पैक्टली अरेंज होके एक स्पायरली अरेंज होगा लॉन्ग एक्सिस के फॉर्म में। तो ये जो है बेटा क्या चीज? स्ट्रोबिलाई और कोन्स फॉर्म करता है। यहाँ तक के समझ में आया? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। सिर्फ 2 से 3 लोगों का रिस्पॉन्स मिला है, बाकी लोग तेजस्विनी, हमेरा, सुप्रिया, ओके ग्रेट, मानव, सुरतिका। तो ये हो गया क्या चीज बेटा? ये वाला पार्ट बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। स्पोरोफिल्स, स्ट्रोबलाई और कोन्स क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं। लीव्स जो है बेटा मॉडिफाई हो रही है, देखो जिम्नोस्पर्म में हेटेरोस्पोरस मतलब स्पोर जो है वो कैसे रहेंगे, तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करते हैं। बट लीव्स जब मॉडिफाई होती है तो ये स्पोरोफिल्स बनती है, जब आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होगा तो इस तरह से एक फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबलाई बनेगा, मेल कोन और मेल। ये देखो ये एक्चुअली ये इस तरह से दिखता है, जब आप देखोगे तो ये दिखाई दे रहा है इसका ये लार्ज पिक्चर। ये किसका हम लोग देख रहे हैं बेटा? साइकस का। ये मेल स्ट्रोबेलाई हो गया आपको ये जो दिखाई दे रहा है, और ये फीमेल स्ट्रोबेलाई, ये फीमेल स्ट्रोबेलाई, ठीक है। तो ये साइकस का ये पिक्चर्स हो गया। तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर्स में हम देखते हैं आपको ये वाला पार्ट कैसे एक्चुअली अरेंज हुआ है वो समझ में आ जाएगा। तो साइकस का मेल और फीमेल कोन हम देखेंगे। तो देखो ये साइकस का मेल कोन है, मेल कोन को जब एनाटॉमिकली देखेंगे आप तो ये इस तरह से यहाँ पे ये सेटअप है, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, मींस ये माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरेंजिया जो होता है, ठीक है, जिसमें स्पोर्स रहते हैं। और स्पोरोफिलर्स जो होते हैं दो टाइप का होता है, एक माइक्रो और एक मेगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स रहेगा और मेगा स्पोरोफिल्स रहेगा। तो ये आपस में जो माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन यदि रहेगी मींस उसमें क्या होगा, यदि अरेंजमेंट जो रहेगा मेल स्ट्रोबिलाई का रहेगा तो वो कंडीशन माइक्रोस्पोरेंजिएट कहलाएगी। ओके, ये देखो अरेंज मेल स्ट्रोबिलाई तो माइक्रोस्पोरेंजिएट, यदि यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया बियर कर रहा है तो ये माइक्रोस्पोर्स जो है ये डेवलप करता है और इससे मेल गैमेटोफाइट बनेगा। मेल गैमेटोफाइट जो होता है बेटा ये लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में ही देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे जो गैमेटोफाइट जो होता है उसको डायरेक्टली पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स जो होता है ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पर ही इसका डेवलपमेंट होता है। ये देखो पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन मीन्स क्या हो गया हमारा मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो ये हमने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस जो है इस तरह से साइकस का ये हम लोगों ने देखे। फिर ये तो हो गया माइक्रोस्पोरोफिल्स, ये जो डायग्राम हो गया माइक्रोस्पोरोफिल्स का हो गया। अब हम लोग मेगास्पोरोफिल्स भी देख लेते कैसा है। तो मेगास्पोरोफिल में फीमेल स्ट्रोबिलाई अरेंज होगा जिसमें क्या रहेगा मेगास्पोर्स रहेंगे। कहाँ गया ये वाला, तो इसमें देखिए जो अरेंज जो फीमेल स्ट्रोबिलाई जिसमें मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल प्रेजेंट होता है ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो। और जनरली इसमें जो मेनली जो कंसिस्ट होता है बॉडी वो क्या कहलाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है बेटा न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो प्रोटेक्टेड होता है एक कवरिंग से जिसे एनवेलप कहते हैं। इसमें मेगास्पोर मदर सेल्स होंगी जो डिफ्रेंशिएट होता है सेल ऑफ द न्यूसेलस। ये वाला पार्ट बेटा हम लोगों ने प्लांट रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, डायरेक्टली जो मेन कंसेप्ट है वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है। ओके, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, तो अभी तो पहली चीज तो न्यूसेलस क्या है ये समझ में आ गया। क्या हुआ जस्ट वेट जूम ज्यादा हो गया। हाँ, तो इस तरह से अभी नेक्स्ट जो है क्या चीज बेटा मेगास्पोर मदर सेल जो होता है म्यूसिस करेगा। ये देखो, और मेगास्पोर मदर सेल जो है म्यूसिस के बाद फाइनली 4 मेगास्पोर्स फॉर्म करेगा। 1 मेगास्पोर्स जो होगा इनक्लोज रहता है विद इन द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, मींस न्यूसेलस के, जहां से मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करता है जिसमें 2 और मोर आर्केगोनिया यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये आर्केगोनियल चैम्बर आप देख रहे हो बेटा जहाँ पे 2 और मोर आर्केगोनिया यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है बेटा ये कहाँ फॉर्म हो रहा है और ये रिटेन भी होता है मेगास्पोरेंजियम में, ठीक है। देन फाइनली मेल और फीमेल कोन्स जो रहते हैं ये पाइनस में, सेम ट्री पाइनस में और साइकस में डिफरेंट ट्री में होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मोनोसियस और डायसियस कंडीशन बनती है। ओके, तो क्या है पाइनस रहा तो मोनोसियस और साइकस रहा तो डायसियस होगा। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो रहते हैं ये दोनों भी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, जो कि स्पोरेंजिया में रिटेन होते हैं किसके स्पोरोफाइट्स पे। ओके, फाइनली लास्ट आता है हमारा लाइफ साइकिल कैसे हो रहा है और पॉलन ग्रेन कैसे रिलीज होते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स जो है जैसे ही रिलीज हुए, ओके, पॉलन ग्रेन्स जो है ये जो रिलीज होंगे तो फाइनली कहाँ से देखो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होके एयर की हेल्प से फाइनली ओव्यूल्स तक के पहुंचेंगे। ओव्यूल्स पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और जब पॉलन ट्यूब की हेल्प से जब पॉलिनेशन होता है तो उसे साइफोनोगैमस कहते हैं बेटा। पढ़े हम लोगों ने साइफोनोगेमी, पढ़े हम लोगों ने। तो मेल गैमेट जो है आर्केगोनिया मींस ओव्यूल तक के पहुंचेगा, देन फाइनली डिस्चार्ज होता है ना नियर द माउथ ऑफ आर्केगोनिया, फर्टिलाइजेशन होके जायगोट का फॉर्मेशन होगा जिससे एम्ब्रियो ओव्यूल एंड सीड ये फॉर्म होगा। तो देखो ये प्लांट है, प्लांट में हम लोगों ने क्या देखे थे सीड कोन्स कहते हैं जैसे, और ये पॉलिन कोन्स हो गया, एक ओव्यूल जिससे फीमेल बन रहा है और ये मेल पॉलिन कोन्स हो गया, ठीक। इससे गैमेट्स बने माइक्रोस्पोरोफाइट्स जिससे माइक्रोस्पोर्स बनेगा, यहाँ पे म्यूसिस होने के बाद ओव्यूल्स बना। ये देखो पॉलन ग्रेन्स किस तरह से होते हैं हमने एंजियोस्पर्म में भी देखे थे। तो इस तरह से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो है इन दोनों के कांटेक्ट में आएगा तो ये डायरेक्टली फ्यूज हुआ, जायगोट बना, फर्टिलाइजेशन होगा, देन अगेन और अगेन सीड और इस तरह से फिर से नया प्लांट बनता है। तो ये है जिम्नोस्पर्म और उससे रिलेटेड कंसेप्ट। ओके, एज इट इज एंजियोस्पर्म के समान है, ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएंगे, डायरेक्टली अभी हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। और एंजियोस्पर्म का भी बहुत सारा पोर्शन बेटा हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज तो अब एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट जो है वो कौन से हैं वो हम पहले समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एंजियोस्पर्म को भी समझ लेते हैं ताकि सारे कंसेप्ट हमारे अच्छी तरह से क्लियर रहे और एक एक पार्ट जो है हमें याद रहे। तो पहले तो एक बार रिस्पॉन्स कर दो बेटा, ये वाला जो पोर्शन इतना जो मैंने समझाया आपको ये सारा क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है? अब जो लोग आज लेट आए होंगे क्लास में उनका कुछ कर नहीं सकता मैं बेटा, इन्फॉर्म किया था मैंने आप लोगों को। चलो किसी को कुछ डाउट है तो डाउट के नंबर लिख भेजो जल्दी से, नहीं तो फाइनली हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी के मैसेजेस क्लियर है करके आ रहे हैं। ओके वेरी गुड। तो फाइनली देखिए बेटा यहाँ पे अभी हम लोग एंजियोस्पर्म, अब एंजियोस्पर्म प्लांट बेटा वेल एडाप्टेड सबसे ज़्यादा, और क्या कह सकते हैं हम लोग एक कंप्लीट एक प्लांट जो होता है, ठीक है, वह एंजियोस्पर्म है, क्योंकि इसमें रूट भी है, इसमें स्टेम भी है, इसमें फ्लावर भी है, सीड जो है वो कोटेड भी रहेगा, ठीक है, कवरिंग वाला सीड रहेगा, नेकेड सीड इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस तरह से वेल एडाप्टेड जो है प्लांट जो है वो है हमारा एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है, मींस ये मोस्ट डेवलप प्लांट में आता है ये, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक। तो एक काम करते हैं इसको डायरेक्ट टू डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्लाइड सारा कंसेप्ट कंप्लीट करते हैं। इसमें दो चीज आप लोगों को याद रखनी बेटा, एक तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट है वोल्फिया, और टॉल ट्री जो है ये है यूकेलिप्टस, ये याद रखना आप लोगों को बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट है वोल्फिया और यूकेलिप्टस मीन्स 100 मीटर्स के आसपास देखने को मिलेगा, और ये देखो आप ये वोल्फिया जो है देखो कितना माइक्रोस्कोपिक होता है, आप देख रहे हैं यहाँ से उठा लिया आपने, इस तरह से होता है ये, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। और यूकेलिप्टस देखो ये टॉलेस्ट ट्री आपको दिखाई दे रहा है। और जनरली इसको 2 क्लास में क्लासिफाई किया, एक तो डाइकॉट और एक दूसरा होता है मोनोकॉट, तो ये हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते भी है बेटा। ओके फिर इसके बाद देखिए डाइकॉट मीन्स 2 कोटिलेडन्स वाले सीड प्रेजेंट होंगे, और मोनोकॉट में ओनली सिंगल कोटिलेडन्स प्रेजेंट होता है। ओके तो सिंपल डाइकोट जिसमें 2 कोटिलेडन्स होगा, डाइकोट का मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यदि हम लीफ की बात करें तो लीफ में इस तरह से जो वेनेसन देखने को मिलेगा वो एक नेटवर्क के समान होगा, रेटिकुलेट वेनेसन होगा। और फ्लावर की हम बात करें तो टेट्रामेरस, ट्राइमेरस, पेंटामेरस हो सकता है, देखो 1 2 3 4 5 जो है आपको यहाँ पे लीफलेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो फ्लोरल वोल यदि जितने भी रहेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग इसके नंबर्स डिसाइड करते, तो टेट्रामेरस और पेंटामेरस होता है जनरली। ओके लीफ में आप वेनेसन देख रहे हो उस तरह से, रेटिकुलेट है, कौन सा प्लांट है बेटा हमारा डाइकोट है। बट यही चीज हम मोनोकोट में देखेंगे तो पैरेलल वेनेसन, जैसे आप बनाना की लीफ देखोगे तो उसमें कुछ इस तरह से वेनेसन देखने को मिलेगा, तो वो होता है किसमें बेटा मोनोकोट में। देखो मोनोकोट भी समझ लो, मोनोकोट जो होता है बेटा सिंगल कोटिलेडन से बेटा, ये देखिए इसी के साथ साथ ट्राइमेरस जो है लीफ होती फ्लावर होता है, और पैरेलल वेनेसन जो है ये इस तरह से भी हो सकता है, पैरेलल वेनेसन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया मेज का प्लांट, हो गया वीट का प्लांट, हो गया राइस, हो गया, ये किसमें आएंगे मोनोकोटिलेडन्स में आते हैं। रिप्रोडक्शन तो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में आता है फ्लावर, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है बताइए, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमेन, वेरी गुड। फीमेल क्या होता है कार्पल्स, हम लोगों ने पढ़े हैं। तो फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर का स्टैमेन होता है जिसमें कंसिस्ट होता है, तो स्टैमेन हम लोगों ने पढ़े बेटा, जिसमें एंथर होता है, फिलामेंट होता है, लोब होता है, एंथर जो कि टिप पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें पॉलिन मदर सेल्स जो है म्यूसिस की हेल्प से माइक्रोस्पोर्स बनाता है, जो मैच्योर होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, पॉलिन ग्रेन्स फॉर्म करेगा। ओके, एज इट इज फीमेल की हम बात करें तो स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा, ठीक है, जैसे पिस्टिल्स भी कहते हैं या फिर कार्पल्स भी कहते हैं। ओवरी स्टाइल स्टिग्मा होता है और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होता है, मींस एग, फीमेल गैमेट्स। ओके, ओव्यूल्स में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए ओव्यूल मींस मेगास्पोर मदर सेल से जब म्यूसिस होगा तो म्यूसिस के टाइम पे फाइनली यहाँ पे क्या होगा बेटा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही होता है जिससे एम्ब्रियोसैक बनता है, ये देखो। फिर एम्ब्रियोसैक जब बना था तो हमने देखे थे एंटीपोडल सेल्स होता है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियस होता है, सिनर्जिड होता है और एग सेल होती है। तो ये पढ़ाने लायक नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी देखो हम पढ़ लेते हैं, ये इसलिए क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इसलिए। तो सिनर्जिड होता है, एग दिख रहा है आपको, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियस, एंटीपोडल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एम्ब्रियोसेक में क्या है, 3 सेल्स मींस एग एपरेटस, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड हो गया, फिर 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 पोलर न्यूक्लियस होता है। पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है ये प्रोड्यूस करता है। ओके, अब पॉलन ग्रेन्स जो है ये देखो, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ते हुए स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, पॉलन ट्यूब फॉर्म होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर आप देख रहे हो, ठीक है, माइक्रोस्पोर जो कि पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक, फीमेल गैमेटोफाइट इसी तरह से बनेगा। पॉलन ट्यूब की हेल्प से डायरेक्टली यहाँ पे फ्यूजन हुआ, जायकोट बना, फिर एम्ब्रियो जो है हार्ट शेप एम्ब्रियो हमने देखे थे, और फाइनली एक प्लांट बॉडी जो है सीड बनेगा और उससे एक प्लांट बॉडी जो है प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये पार्ट हम लोगों ने पढ़े। मींस पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हुए, एंथर से कैरी होगा विद द हेल्प ऑफ विंड या जो भी एजेंसी होती है, स्टिग्मा तक पहुंचा। इस फिनोमिना को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ स्टिग्मा पे, पॉलन ट्यूब बनेगी, ग्रो करते स्टिग्मा स्टेल से होते हुए ओव्यूल तक के पहुंचेगी। ओव्यूल तक के जैसे पहुंचा तो फाइनली पॉलन ट्यूब जैसे ही एम्ब्रियोसैक में इंटर करता है तो 2 मेल गैमेट होता है बेटा जो इंटर करता है, जैसे हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, याद है। तो पॉलन ट्यूब इंटर हुआ एम्ब्रियोसैक में, दोनों भी मेल गैमेट जो होते हैं डिस्चार्ज होते हैं। एक मेल गैमेट जो है किससे फ्यूज होता है, एग से, और दूसरा मेल गैमेट जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो फर्स्ट बनता है सिनगेमी और सेकेंड होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो इससे बनेगा जायगोट जो एम्ब्रियो बनाता है और ये एंडोस्पर्म बनाता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो की सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ यदि फ्यूज हुआ तो। ओके तो यहाँ पे 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन इसमें हो रहे हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। एक यूनिक होता है एंजियोस्पर्म में, जायगोट से एम्ब्रियो बना और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनेगा जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सिनर्जिड और एंटीपोडल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद ये डीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि उसका जितना भी न्यूट्रिएंट है वो इधर पास कर देते हैं। फाइनली इस इवेंट में ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल से क्या बनता है बताओ, सीड फॉर्म होता है और फाइनली ओवरी जो है फ्रूट, ओवरी से फ्रूट्स फॉर्म होता है, पढ़े हम लोगों ने। तो इस इवेंट में फाइनली हम देखे तो ओव्यूल्स जो है क्या फॉर्म कर रहा है, सीड, और ओवरी जो है फ्रूट्स बन रहे हैं। अब सीड जो है बेटा वो इनक्लोज रहता है फ्रूट से, और इधर हम लोगों ने पेरिकार्प, पीपीकार्प, मीजोकार्प फ्रूट्स का हम लोगों ने ये सारा पार्ट ऑलरेडी स्टडी किया है। ओके तो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट बेटा, ये हो गया हम लोगों का एंजियोस्पर्म। अब हमें मेन लास्ट पोर्शन इस टॉपिक का जो हम लोगों को स्टडी करना है, दैट इज प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, ये हम लोगों को देखना है। तो प्लांट की यदि हम बात करें बेटा तो प्लांट जो है जैसे कि हम जानते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स जो है दोनों में माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद फाइनली यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा एक तो गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है गैमेट्स, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो गैमेटोफाइट जो होता है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइट जो होता है ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्लांट लाइफ साइकिल जो है वो कैसे होगी वो हम समझेंगे और कितने टाइप की होगी वो हम देखेंगे। तो एक सिंपल कंसेप्ट से प्लांट लाइफ साइकिल ये हम लोग समझ लेते हैं। और इसमें जो टाइप्स है प्लांट लाइफ साइकिल के, ठीक है, मेनली हमें वो वाला पोर्शन देखना है। तो प्लांट लाइफ साइकिल की यदि हम बात करें तो क्या क्या होता है बेटा इसमें? पहली चीज तो प्लांट लाइफ साइकिल इट इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों भी सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स कह लो, गैमेटोफाइट, और डिप्लॉइड सेल्स जो होता है स्पोरोफाइट, इनका जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस की हेल्प से डिवाइड हो रहा है। देन फाइनली मेल और फीमेल गैमेट्स का ये फॉर्म प्रोडक्शन करते हैं। तो लाइफ साइकिल जिसमें एक कंडीशन आती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या चीज? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक में देखो, यदि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैंने इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पे फॉर्म किया, तो ये है 2n और ये है n। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देखिए जो डोमिनेंट फेज है जो आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है बेटा? हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट जो है ये इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट जो है ये इंडिपेंडेंट है। ऐसा कहाँ पे था, कहाँ पढ़े थे हम लोगों ने गैमेटोफाइट जो इंडिपेंडेंट होता है? इसमें जो मियोसिस होंगी वो जायगोटिक मियोसिस होंगी, जायगोट में मियोसिस होता है। ओके, जायगोटिक मियोसिस होता है। कहाँ था बताओ? हैप्लॉन्टिक मींस हैप्लॉइड फेज जो है डोमिनेंट है, भूल गए, पढ़ के नहीं आए, रिवाइज नहीं किया लगता आप लोगों ने, है ना बेटा? मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होते हैं ये इसी में आता है। मैंने आपको बताया था ना मेरे चाचा के पास CCSUV, याद आ रहा है? मेरे चाचा के पास 4 SUV है, CCSUV। बताओ क्या था ये? मेजॉरिटी ऑफ ग्रीन एल्गी जो है, जो भी ग्रीन एल्गी है उसमें इसी टाइप का लाइफ साइकिल होता है। यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा। V से क्या है? वॉलवॉक्स। U से क्या है? यूलोथ्रिक्स। S से क्या है? स्पायरोगायरा, इसी में आता है। C से क्या था? कारा। और एक और C से क्या था? क्लेमाइडोमोनास। ओके, तो ये जो है इसमें क्या चीज बेटा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक। एक आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मीन्स क्या होगा बताओ? हैप्लोडिप्लॉन्टिक मीन्स इस तरह से, ये 2n हो गया और ये n हो गया। बोथ फ्री, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों भी फ्री रहेंगे, और इसमें स्पोर्स में मियोसिस होगा, तो स्पोरिक मियोसिस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? स्पोरिक मियोसिस देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या होता है बेटा? ऑल ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इसमें आते हैं, टेरिडोफाइटा भी इसमें आते हैं, ब्राउन एलगी जो होता है जैसे लैमनेरिया, लैमनेरिया इसमें आता है। कैल्प हम लोगों ने पढ़े थे, कैल्प भी इसमें आता है। एक्टोकार्पस जो है ये भी इसी में आता है। तो बी कैल्प आप ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है? बी कैल्प, कैल्प का K फिर E फिर A, KEL, ब्राउन एलगी का। टेरिडोफाइट और ऑल ब्रायोफाइट। ओके, ये इसमें आते हैं। क्लेडोफोरा ग्रीन एलगी, पॉलीसाइफोनिया जो कि रेड एलगी है वो भी इसमें आता है बेटा। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम देखें तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मींस एज इट इज सिमिलर अब क्या हो जाएगा, डायग्राम को उल्टा कर दो ऐसा, तो 2n आपका ये हो जाएगा और n आपका ये हो गया, जस्ट अपोजिट। मीन्स आपका डिप्लॉयड फेस जो है ये डोमिनेंट हो गई। स्पोरोफाइट अब यहां पर फ्री हो गया, स्पोरोफाइट जो है यहां पर क्या होगा बेटा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक याद रखना, गड़बड़ 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 मीन्स क्या होगा, जिम्नोस्पर्म इसमें आता है, एंजियोस्पर्म इसमें आता है, उसके बाद फिर डाइटम्स, ये प्रोटिस्ट है बेटा लेकिन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, डाइटम्स इसमें आता है, फिर उसके बाद क्या चीज, ब्राउन एल्गी इसमें आती है, फ्यूकस और सरगासम, फ्यूकस एंड सरगासम इसमें आता है। और डी मीन्स क्या होगा, हेलो, डी मीन्स क्या होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ओके, चलो तो प्लांट की लाइफ साइकिल हम देखते हैं डायरेक्टली, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और फाइनली ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें एनिमल किंगडम जो है ये देखना है। एकदम सिंपल है बेटा, क्लियर हुआ सभी के सारे पॉइंट्स, जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक के अभी तक के प्रेजेंट है मेरे साथ, रिस्पॉन्स कर देंगे जल्दी से। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं, स्लाइड से आपका और भी पार्ट सारा क्लियर हो जाएगा। चलो क्लियर है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोग जो देख रहे थे प्लांट में, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो देखिए बेटा, प्लांट लाइफ साइकिल यदि हम देखें तो प्लांट लाइफ साइकिल में पहली चीज तो प्लांट हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स माइटोसिस करेगा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो कि गैमेटोफाइट होता है, जिससे गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स कैसे बनेंगे, माइटोसिस से। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट जब डिवाइड होता है तो माइटोसिस की हेल्प से डिप्लॉइड प्लांट बॉडी मींस स्पोरोफाइट फॉर्म करता है। फिर स्पोरोफाइट जो कि स्पोर्स बनाएगा, कैसा, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो हैप्लॉइड स्पोर्स जो बनेंगे वो क्या होगा, मियोसिस की हेल्प से होगा। ठीक है, तो स्पोर्स जब डिवाइड होगा माइटोटिकली तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी मींस वापस से गैमेटोफाइट फॉर्म हो जाएगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले के कंसेप्ट में देखे। तो जब लाइफ साइकिल जब होती है बेटा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्लांट में, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है किसमें बेटा, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में। तो लाइफ साइकिल तीन टाइप की होती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब ये कैसे हो रहा है तीनों भी टाइप्स, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो इस पिक्चर से आपको डायरेक्टली क्लियर हो गया होगा बेटा, ये जो है हमारा स्पोरोफाइट है, जायगोट, जायगोट में मियोसिस हो रहा है यहाँ पर। ओके, जायगोट में म्यूसिस हुआ तब जाके इसने हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए, जिससे गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनेगा। फिर दो गैमेट बनेंगे, इससे फ्यूज होके सिनगेमी हुआ, देन फिर से जायगोट बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है ये रिप्रेजेंट हो रहा है किससे बेटा, ओनली बाय द जायगोट। तो जायगोट में म्यूसिस हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स बना, माइटोटिकली गैमेटोफाइट बना। डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज और फ्री लिविंग जो रहता है इसमें गैमेटोफाइट होता है, ये वाला दिख रहा है। वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, कुछ एल्गी जो है ये इसमें आती है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी है इसमें। नेक्स्ट आता है डिप्लॉन्टिक। तो डिप्लॉन्टिक में देखो, ये डिप्लॉन्टिक फेज, डिप्लॉइड फेज जो है डोमिनेंट हो गई, मतलब यहाँ पे जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है ये डोमिनेंट है, फोटोसिंथेसिस है और इंडिपेंडेंट है। और गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को। फ्यूकस की स्पीसीज जो होती है, सीड बियरिंग प्लांट मींस जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और गैमेटोफाइटिक फेज जो होता है, ठीक है, ये मल्टी सेल होती है। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दोनों बेटा इक्वल आ गया लगभग। ठीक है, ये इधर से बड़ा है तो ये इधर से बड़ा है, तो ये इधर छोटा है तो ये इधर बड़ा है। ओके, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर रहेंगे, दोनों फ्री लिविंग है, दोनों डोमिनेंट फेज है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो है जनरली हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल इसमें देखने को मिलती है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर बेटा ये जो है प्लांट की लाइफ साइकिल है कि किस तरह से यहाँ पे लाइफ साइकिल हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपका सारा पोर्शन जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम फाइनली नेक्स्ट हमारा एनिमल किंगडम जो है वो हम देखेंगे। आर यू रेडी? एनिमल किंगडम के जो भी इम्पोर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट जो है बेटा वो हम कवर करेंगे आज, और उसके बाद आगे का पोर्शन जो है वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे। मींस एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम लोगों को उसका जो जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोगों को क्या चीज़, उसमें जो उसके फाइलम्स हैं, एक तो वर्टिब्रेट, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, ऐसे हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, हेलो। तो स्टार्ट कर दे, उसके लिए काम करते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? वेरी गुड, ग्रेट।